हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी, क्योंकि एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, RRB ने अपने पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती ले रहा था उसका जो आज फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों कट ऑफ भी जारी कर दी गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सभी जोन का रिजल्ट और कट ऑफ, तो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और सरकारी नौकरी जब भी कोई नया फॉर्म आता है या नई कट ऑफ आती है तो उसकी ऑफिशियली अपडेट जो है हम आपको स्मार्ट चैनल पर दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे डेट से स्टार्ट करना अच्छा लगता है हमेशा, कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये है कि 3/3/2019 यानी मार्च में आपको जो है इसका फॉर्म जो है रिलीज़ किया गया था, और 4 मार्च से आपने इसका फॉर्म स्टार्ट किया था। और आपको अगर देख लीजिए, CBT जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल को, और एग्ज़ाम सिटी जो था स्लॉट वो 9/7 से आपका स्टार्ट हो गया था। एग्ज़ाम सिटी 19 और 21 जुलाई को भी हुआ था, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले मिला। और फाइनल आंसर की, जी हाँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर की 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक जारी हुआ था। उसके बाद फिर से देखिए, फाइनल आंसर की जो जारी हुई वो था 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, 28 से लेके 31 अगस्त तक जो है फाइनल आंसर की देख सके थे। और जो इसका रिजल्ट अवेलेबल है वो देखिए आज का डेट, जी हाँ दोस्तों, 8/9/2019 यानी कि आज जस्ट अभी कुछ समय पहले जो है जारी हुआ है इसका रिजल्ट। देखिए इसमें टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 1937 पोस्ट, और ये रहा आपका एज आयु का, देखिए गणना 1/7 को थी। तो इस प्रकार आप कैटेगरी वाइज अगर देखने जाएँ तो आप देखिए 936 पोस्ट जनरल वालों के लिए हैं, OBC वालों के लिए 419, EWS वालों के लिए 158, SC के लिए 272, ST के लिए 152, टोटल हो जाता है आपका 1937 यानी 1937 पोस्ट। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले के रिजल्ट पे सीधा डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रिजल्ट दिया हुआ है, RRB पटना, अजमेर, सिकंदराबाद, जितने भी जोन है सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट के साथ हम कटअप भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पटना से ही। तो पटना से रिजल्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप किसी भी अदर वेबसाइट से भी जा सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो है मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये रिजल्ट का PDF फाइल है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना, जी हाँ वेबसाइट देख लीजिए। आपको अगर ऑफिशियली जाना है तो www.rrbpatna.gov.in, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, देख लीजिए जो CN नंबर दिया हुआ है 02/2019 फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज। जी हाँ, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट जो दी गई है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो हम नीचे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स का ये दिया है, टोटल 59 लोगों का इसमें सेलेक्शन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी नंबर 2 में आता है स्टाफ नर्स, यहाँ पर देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं। नंबर कैटेगरी 4 में देखिए टोटल 4 लोग पास हुए हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। कैटेगरी नंबर 6 में देख लीजिए आप, यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, 40 स्टूडेंट्स में पास हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए। कैटेगरी नंबर 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लोग पास हुए हैं। कैटेगरी नंबर 10 में अगर बात करें साइकोथेरेपिस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी देखिए 2 लोग पास हुए हैं। कैटेगरी नंबर 11 की बात करें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए देखिए यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं। इसी प्रकार आप देखिए रेडियोग्राफर के लिए 2 पोस्ट हैं कैटेगरी नंबर 12 में जो था। और हम नीचे जा जाते हैं इसी प्रकार कैटेगरी नंबर 16 में देखें तो लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखिए टोटल 6 लोग जो है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV एंड मेडिकल 121, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ देखिए वर्ड में भी लिखा हुआ है एंड ऑफ द सीट, यहाँ पर आपका एंड खत्म हो जाता है 8/9 को। देखिए यहाँ पर अपडेट है चेयरमैन RRB पटना। अब हम आ जाते हैं नीचे ऑफिशियली कट ऑफ के बारे में। देखिए ये पेज नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, ये पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की जो है देखिए कट ऑफ है CN02/2019 पैरामेडिकल कैटेगरीज, डेट ऑफ CBT 19/7/2021 यानी कि 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ था 21 जुलाई तक। कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए जो है अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 64, SC वालों के लिए गई है 54, ST के लिए 51, OBC वालों के लिए 60, EWS में के लिए 54, एक्स सर्विसमैन के लिए 38, और अगर फिजिकल हैंडीकैप में बात करें तो 35.766। अब डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए गई है 57, OBC के लिए गई है 49,
कैटेगरी नंबर 6 पे आ जाते हैं ईसीआर में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड के, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे गई है कट ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, 68 एससी के लिए गई है, 59 एसटी के लिए गई है, 37 ओबीसी के लिए गई है, 61 ईडब्ल्यूएस के लिए गई, 48 एक्स सर्विसमैन के लिए गई, 58। तो ये हो गया आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड के लिए। अब देखिए यहाँ पे और भी कैटेगरी दी हुई है, जैसे ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, फाइजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लेब असिस्टेंट, तो इस प्रकार जो है सारी कैटेगरी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से ऑफिशियली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं पटना, देखिए पैरामेडिकल कैटेगरीज में स्टाफ नर्स में देखिए यहाँ पे 59 गए हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स 50% ओवर एंड अबव द नोटिफाइड वैकेंसी। ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए है, तो इनका देख लीजिए कट ऑफ, स्टाफ के नर्स के लिए 59 गया है, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 51, ओबीसी वालों के लिए 57, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 48.02, ईसीआर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 49 गया है, अगर हेल्थ और इंस्पेक्टर की बात करें तो 60 गया है अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 54 गया है, ओबीसी वालों के लिए 59.18, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 46.493, एक सर्विसमैन में अगर आप हैं तो 54.76। इसी प्रकार और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कैटेगरी नंबर 8, 10, 11, 12, 16, तो यहाँ पे देखिए 46 गया है कैटेगरी नंबर 8 के लिए। कैटेगरी नंबर 10 के लिए देखिए साइकोथेरेपिस्ट के लिए 58 गया है, और फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए जाएंगे थर्ड के लिए तो देखिए 58.16 है। रेडियोग्राफर के लिए देखिए तो एसटी में 27 गया है। ये जो आपको लिस्ट है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। अब हम बात करते हैं सिकंदराबाद पे, तो सिकंदराबाद का भी देख लेते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट, तो हमको भी सिकंदराबाद का जो है रिजल्ट डाउनलोड करना होगा। अब देख सकते हैं आपके सामने ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर दिया फटाक से। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिकंदराबाद, देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं रिजल्ट देखने के लिए, www.rrbsikandraabad.nic.in। सी नंबर की बात करें तो 02/2019 है फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जी हाँ, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी कंडक्टेड ऑन 19/7 to 21/7 फॉर द पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो ये आपको पूरा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी एग्ज़ाम आपने दिया है। तो हम आ जाते हैं सीधा रिजल्ट पे, जी हाँ, तो रिजल्ट पे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है आपका स्टाफ नर्स, टोटल 81 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी नंबर 2 में, जी हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल। आ जाते हैं हम नंबर 4 पर, कैटेगरी नंबर 4 पर, तो यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए देखिए टोटल जो है 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए देखिए 2 पोस्ट थी और 2 जो है स्टूडेंट पास हुए हैं। कैटेगरी नंबर 6 पे आए हैं तो यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड के लिए देखिए टोटल 34 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 8 पे आ जाए तो वहाँ पे देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए टोटल 2 है। अब आ जाते हैं साइकोथेरेपिस्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए साइकोथेरेपिस्ट के लिए कितना है, यहाँ पे 2 है, कैटेगरी नंबर इसका 10 है। कैटेगरी नंबर 11 में आ जाते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए, टोटल नंबर 24 स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। रेडियोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 12 है इसका और टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं इसमें 5। कैटेगरी नंबर 14 की बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन के लिए टोटल 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 16 की बात करें तो लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए टोटल 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी एंड मेडिकल 182, यानी कि 182 यहाँ पे 182 यहाँ पे आपको जो है सिलेक्टेड हुए हैं जो डीवी और मेडिकल के लिए जाएंगे, चुने जाएंगे। आप डेट भी देख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है 8/9/2019, चेयरमैन आराबरी सिकंदराबाद। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ देखने के लिए, तो कट ऑफ देखने के लिए हमें कट ऑफ पे क्लिक कर देते हैं तो सिकंदराबाद का हमें कट ऑफ भी मालूम पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके साथ सामने है, ये देख लीजिए सिकंदराबाद, जी हाँ, आपको एकदम ऑफिशियल है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की गई। आप ऑलरेडी जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है कट ऑफ की। तो देखिए कैटेगरी नंबर 2 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो स्टाफ नर्स है उसकी जो कट ऑफ गई है वो 62 गई है जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 59, एसटी के लिए 58, ओबीसी वालों के लिए 61, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 46, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 41 गई है, एलडी जो है पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनके लिए जो गई है 29। अब बात करें स्टाफ नर्स की एससीआर, जहां जी हाँ साउथर्न सेंट्रल रेलवे के लिए, तो यहां पे 63 गई है कट ऑफ। मैं आपको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में।
देख लीजिए 63 गई है यहाँ पे जनरल के लिए, एससी के लिए 59 गई है, जी हाँ लगभग सेम है, 58 गई है एसटी के लिए, 63 गई है ओबीसी वालों के लिए, और 44 गई ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 44 गई है, और पीडब्ल्यूबीडी में जो गई है वो 35.09। तो ये है आपका कट ऑफ। अब डायलिसिस एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए गई है 58, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 33, ओबीसी के लिए 55, और एक्सटेंशन एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ओबीसी के लिए था जो है 42 गई कट ऑफ। हेल्थ एंड मलेरिया स्पेक्टर की ग्रेड थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 56 गई है, एससी में कोई पोस्ट नहीं था, एसटी में 51.70 है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो ग्रेड थर्ड है ये एससीआर का है, वो ईसीओआर का था, तो इसके लिए देखिए 52 गई है जनरल की, एससी के 51 गई है, एसटी के लिए 52 गई है, ओबीसी वालों के लिए 57 गई है। तो इसी प्रकार का मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा दोस्तों, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सभी का जो है रिजल्ट कटअप बता दूंगा। आपको जो है इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियली विजिट कर लीजिए, मैं आपको हर वीडियो के अंदर जो है बता दूंगा कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो है रिजल्ट के बाद। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है गुवाहाटी, तो ये आप चाहते हैं गुवाहाटी का रिजल्ट देखने के लिए, तो बस गुवाहाटी का रिजल्ट आपको डाउनलोड करना होगा, 588.2.3 KB का है, देखिए बस डाउनलोड हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने तुरंत डाउनलोड हो जा रहा है। जी हाँ, आपको रिजल्ट देखने के लिए देखिए इसको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो है www.rrbguwahati.gov.in, और ये इनका मेल आईडी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ, कुछ अगर आपको इश्यूज होते हैं तो हम सीधा आ जाएंगे रिजल्ट पे। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए देखिए 92 लोगों का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी नंबर 2 में, ये सारे रोल नंबर्स हैं जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है डीवी, और मेडिकल के लिए कैटेगरी नंबर 5 पे आ जाते हैं एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए, टोटल 7 लोग हैं, यहाँ पे 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार जो है टोटल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है। तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए वो है 182। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गुवाहाटी का देख लीजिए खत्म हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट में, हम सभी का जो है लिंक आपको सीधा दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अपने अपने जोन का और अपना अपना ऑफिशियली कट ऑफ दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो है आपको सारे कट ऑफ्स जो है चेक कर लिए होंगे आपने। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्मार्ट होने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।